नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। 5 दिनों की विदेश यात्रा पर पीएम मोदी रोम पहुंचे, G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। जैविक हथियारों के खतरे से चिंतित एनएसए डोभाल, कहा निपटने के लिए कमर कसने की जरूरत। अगले महीने कोरोना वैक्सीन की 30 करोड़ डोज खरीदेगी केंद्र सरकार, 2 करोड़ जाइकोव डी की भी खुराकें खरीदी जाएंगी। जल स्तर बढ़ने की चिंताओं के बीच केरल के जल संसाधन मंत्री ने मुल्लापेरियार बांध का निरीक्षण किया। एनडीए में महिला कैंडिडेटों के शामिल होने पर बोले सेना प्रमुख, मुझे है पूरा यकीन पुरुष कैंडिडेटों की तरह करेंगी अच्छा प्रदर्शन। ललितपुर में मृत किसान के स्वजनों से मिली प्रियंका गांधी वाड्रा, खाद की लाइन में खड़े होकर तोड़ा था दम। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने दी चेतावनी, बोले सरकार के आगे गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, किसानों के लिए कोर्ट जाऊंगा। विक्रोकांड में 30 गैंगस्टर आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट, जय वाजपेयी समेत 29 को न्यायालय में किया गया पेश। इटावा सफारी में पर्यटन को लगेगा पंख, आगरा से आए 100 सदस्य दल ने व्यवस्थाओं को सराहा। दिवाली का बड़ा तोहफा, यूपी के 14.82 लाख कर्मियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। टीएलपी के प्रदर्शन से पाकिस्तान सरकार परेशान, मंत्री ने दी धमकी, कहा वापस जाओ नहीं तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर एक शख्स के पास हथियार मिलने पर अफरा तफरी मची। फेसबुक ने अपनी कंपनी को दिया नया नाम, मेटा नहीं बदलेगा इंस्टाग्राम मैसेंजर और व्हाट्सएप का नाम। बांग्लादेश के विदेश मंत्री का दावा, सांप्रदायिक हिंसा में किसी भी मंदिर का नहीं हुआ था नुकसान। G20 देशों के नेताओं की अहम बैठक कल, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अफगान संकट पर रहेगा फोकस। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले एएफजी स्टार राशिद खान की अपील, 2019 वर्ल्ड कप की घटना भूल जाओ। ऑस्ट्रेलिया की टी20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत, पूर्व चैंपियन श्रीलंका को 7 विकेट से रौंदा। फिक्सर सिक्सर विवाद में इमरान खान बोले, हरभजन सिंह आमिर जैसे बच्चों के लिए स्कूल खोले। पाकिस्तानी टीम में 3 को निकला कोरोना और अब तक 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। डेविड वार्नर ने छोड़ा सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, ऑक्शन में उतरने का किया फैसला। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत, बॉलीवुड सेलेब्स भी आर्यन को जमानत मिलने से ले रहे हैं चैन की सांस। नेपाल में परिणीति चोपड़ा ने ऊंचाई का पहला शेड्यूल किया पूरा, मुंबई से 125 किलोमीटर का क्रू गया था। जॉन ने पूरी की एक विलेन रिटर्न्स की शूटिंग, फिल्म को 8 जुलाई 2022 को होगी रिलीज। मंदिरा के दिवंगत पति राज की आखिरी सीरीज 3 नवंबर को होगी रिलीज, इस सीरीज का निर्माण रिफ्यूल प्रोडक्शन द्वारा किया गया।
करीना कपूर ने 8 महीने के बेटे जेह का योगा कराते हुए फोटो किया शेयर। जेह की इस फोटो पर फैन समेत सेलेब्स भी बरसा रहे जमकर प्यार। 5:25 में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।